दिल्ली के निमाजुद्दीन में हिमाचल के 701 लोगों की होने की सूचना मिली है। गृह मंत्रालय से मिली इस सूचना के बाद हिमाचल सरकार भी हरकत में आई है और ये लोग तबलीगी जमात से संबंधित बताए जा रहे हैं। इनके फोन की टावर लोकेशन निजामुद्दीन के पास पाई गई थी। केंद्र सरकार और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इसकी सूचना हिमाचल सरकार के साथ साझा की। इनके मोबाइल फोन नंबरों को सर्वेलेंस पर रखा गया है। हिमाचल के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि सूची के आधार पर उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इन लोगों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की हिदायत भी दी गई है। 26 लोगों के मोबाइल प्रारंभिक जांच में सही नहीं मिले थे और ये लोग वहां कब गए थे और वहां से कब लौट के आए हैं इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। धर्मशाला स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया और शाहपुर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया और छोटे से कॉन्फ्रेंस हॉल में 30 से 35 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बिठाया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग दूसरों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करता है पर खुद इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। जब इस बारे में शाहपुर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी इन लोगों को बोला था कि 1 मीटर का फासला रखकर बैठो। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में सरकार ने उनको एक एक्टिविटी अभी अभी दी है और ये एक्टिविटी उनको कल से शुरू करनी थी, इसलिए ब्रीफिंग करना जरूरी था। वहीं मीटिंग में पहुंची सरकारी आयुर्वेदा BAMS डॉक्टर आशिम कश्मीरी ने बताया कि उनकी ड्यूटी भी इसी एक्टिविटी में लगाया दी गई है। अगर वे लोग यहां ड्यूटी करने लग गए तो जिन आयुर्वेदिक अस्पतालों में वे काम कर रहे हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हमारा इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगी अगर हम यहाँ पे ड्यूटी करने लग गए। ये आशा है ना, आंगनबाड़ी, इन सबको देनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर हम घर घर जाते अच्छे लगेंगे क्या? हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते, हमारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे और सारा प्रेशर हॉस्पिटल के ऊपर पड़ेगा। कम से कम हम दिन में 20 मरीज तो रोक के रखते हैं ना डिस्पेंसरी में, उनको दवाई देते हैं। और अगर हमें घर से घर घर जाने की जिम्मेवारी लगा देंगे तो वो सारे प्रेशर हॉस्पिटल में पड़ जाएगा, इससे बीमारी कम होने की बजाय बहुत ज्यादा फैलेगी। सो प्लीज एक्सक्यूज अस, वी विल नॉट गो।